वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कथा गुरबाणी विचार देख रहे सारे ही दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारी साध संगत जी, धर्म चाहे कोई भी होवे, सानू यही दसदा है कि सानू दान पुन करना चाहिए। पुराने समय तो ही यह मनता चली आ रही है कि जो मनुख अपने जीवन में दान पुन वर्गे चंगे काम करता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। कई लोग तो अपने फायदे लिए दान करते हैं पर अपने फायदे लिए किए हुए दान का फल नहीं मिलता, इसलिए बिना किसी स्वार्थ के ही दान करना चाहिए। पर इस दे नाल यह भी मन्या गया है कि सूर्यास्त होने तो बाद कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए ते ना ही ये चीज़ा किसी मंगण आए गुआंढी या सज्जन मित्र देनिया चाहीदियां ने। इस नाल सानू नुकसान भी हो सकता है। पहली चीज़ है पैसा। सूरज डुबन तो बाद जे तुसी किसी नू पैसियां दा दान करते हो जां उधार पैसे किसी नू दे देंदे हो तां इह गलत होएगा। कोशिश करो सवेर दे समय ही पैसे उधार दिओ। दूसरा दुध, जे रात नू कोई तुहाडे घर दुध मंगण आउंदा है तां उस नू टाल ही दिओ। इस नाल घर विच्चों बरकत चली जांदी है, इस नाल घर पैसा भी नहीं टिकता। तीसरा है प्याज ते लहसुन। कहा जाता है कि प्याज ते लहसुन का संबंध ग्रह नाल जुड़िया है। इस समय जे ये दोनों चीज़ां किसी नूं देंदे हो तो तुसी अपने घर परेशानियां नूं आप सद्दा दोगे। सूरज डुबन तो बाद ही टूने टोटके किए जाते हैं, इसलिए प्याज लहसुन शाम वेले ना ही किसी नूं दिओ तां चंगा, इस नाल तुसी कंगाल हो सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।